हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूं इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक मनोवैज्ञानिक और एक ट्रेनर डॉक्टर मयूरिका प्लीज वेलकम डॉक्टर मयूरिका विद अस बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाया सो so, ये जर्नी का बीच कहाँ से शुरू हुआ कब आपको लगा कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट बनना है और मेंटल हेल्थ और माइंड में आपकी रुचि कब जागी तो जब मैं छोटी थी तो पता चला कि कल्पना चावला स्पेस गई है तो तभी तो यही तय कर लिया था कि मुझे भी स्पेस में ही जाना है लेकिन फिर जब मैं एट्थ स्टैंडर्ड में आई मुझे पता चला एक ऐसा भी प्रोफेशन है जहाँ पे दूसरों को सलाह देते हैं और उनको पैसे मिलते हैं अच्छा तो मैंने सोचा तो क्या बात कर रहे हो यही करना है हमको <laughs> जैसे जैसे काम करते रहे आगे बढ़ते रहे तो मालूम पड़े भाई बिल्कुल यही नहीं है कि बस सलाह दो और पैसे मिलेंगे आ, लेकिन इस काम में इतनी शांति है इतना पर्सनल ग्रोथ है इतनी सारी कहानियाँ सुनने मिलती है और इतने सारे जीवनों को बदलते हुए देखने मिलता है कि ये अपने आप में एक एडिक्शन बन जाता है आप जैसे मेंटल हेल्थ में और वेलनेस में इन सब में लोगों को काउंसल करते हैं और आप डायबिटीज़ में भी मेरे ख्याल से मदद करते हैं लोगों को सो so रिसेंटली अगर पिछले चार पाँच साल देखें तो डू यू थिंक इसमें डिप्रेशन एंगजाइटी स्ट्रेस इनके केसेस में बहुत ज़्यादा उछाल है ज़बरदस्त उछाल आया है okay. अगर आप पूछेंगे क्यों है जी. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें एक साथ काम कर रहे हैं एक तो पहले से ज़्यादा अभी प्रोफेशनल्स अवेलेबल है जो आपको डायग्नोसिस करके दे सकते हैं पहले तो इसकी डायग्नोसिस ही नहीं होती थी पहचान ही नहीं होती थी तो अभी आप जाएंगे तो लोगों को पता है कि भाई डिप्रेशन भी कुछ होता है बाइपोलर डिजॉर्डर कुछ होता है एंगजाइटी है सो so, अभी अच्छी खासी डायग्नोसिस हो सकती है साथ ही साथ अभी के जीवन में ना लोग uh, स्क्रीन से ज़्यादा जुड़े हैं, वर्चुअल इंसानों से ज़्यादा जुड़े हैं, असली इंसान से कम जुड़े हैं ट्रू। जब हम असली व्यक्ति से मिलते हैं तो एक अलग लेवल की न्यूरोकेमिकल एक्टिविटी हमारे शरीर और दिमाग नर्वस सिस्टम में शुरू हो जाती है सोशल बॉन्डिंग होती है ऑक्सीटोसिन बहता है कॉटोजोल लेवल कम होने लगता है और इससे इंसान को फायदा होता है तो अगर वो समूह के बीच में रहेगा तो उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी लेकिन अकेला जिएगा और ऐसी वर्चुअल ज़िंदगी में जिएगा पे दूसरे उस नो से उसका मिलना ही नहीं होता तो फिर मेंटल हेल्थ की चैलेंजेस बढ़ जाती है और क्या कोजेज आपको लगते हैं कि एक तो ये कि ये जो डिसकनेक्शन है इसके अलावा आपको क्या रीजन लगते हैं कि ये जो स्पाइक है इसके और क्या रीजन हैं सोशल कंपेरिजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पहले के इंसान दिनों में इंसान किससे कंपेयर करता था अपने आसपास के स्कूल के बच्चों से या अपने आसपास के बिल्डिंग के बच्चों से अपने चार पास कज़न से कंपेयर करेगा right. और उनके बीच में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगा ठीक है कोई बात नहीं कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई नंबर उसे मिल ही जाएगा लेकिन अब वो कंपेयर करता है करोड़ों के पॉपुलेशन में ओके okay, कहीं किसी एग्ज़ाम में आप गए हैं करोड़ों लोग लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं नंबर ही आपका ऐसा कुछ आता है कि यू you नो know, बीस हज़ार तीस हज़ार व नंबर ऐसा कैसे नंबर हो सकता है फिर आप सोचते हो यार बीस हजार लोग मेरे से आगे हैं फिर उसके बाद अगर आप अच्छे भी हो अगर आप लेट से अपने गाँव में अपने शहर में अपने स्कूल में नंबर वन भी थे लेकिन आप किसी बड़े शहर में जाते हो या बड़ी कोचिंग में जाते हो सब लोग आपको भेज देते हैं ना और आगे जाओ और आगे जाओ फिर वहाँ जाके आप एक ऐसे क्लास में पहुँच जाते हो जहाँ आप नंबर वन से नंबर लास्ट में आ जाते हैं आपसे बड़े और लोग हैं आप जितने आगे जाते हो आपको आपसे बड़ा कोई और मिलता है फिर उससे बड़ा कोई और मिलता है right. तो आप हमेशा पाते हैं कि व्यक्ति देखेगा कि मैं तो पीछे ही रह गया मेरे से कितने लोग आगे मुझे और करने की ज़रूरत है व्यक्ति इस भ्रम में आ जाता है कि अगर मैं सही मेहनत कर लूँगा ना तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी किया है Right. लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि फिर वो सोचता है मैं मेहनत पे और जोर डालू और उसका शरीर थकने लगता है एक समय के बाद शरीर को सर्वाइवल में इंटरेस्ट है शरीर कहेगा कि नहीं बाबा नींद जरूरी है ऐसे पांच घंटे की नींद में नहीं होने वाला काम right. तो शरीर थोड़ा ढीला पड़ने लगता है थर शरीर आ, किसी ना तो किसी तरीके की बैसाखी ढूंढता है शराब पी लिया सिगरेट पी लिए जल्दी, जल्दी जल्दी जो कुछ आराम दे दे क्योंकि इतना कुछ काम किया है अचानक नींद भी नहीं आती जब बिस्तर में जाते नींद नहीं आती डेढ़ दो घंटे नींद नहीं आ रही है इतना दिमाग ने काम किया है वो शांत नहीं हो पा रहा है राइट right. और तीन घंटे में उठना है हमको अब तीन घंटे बाद नहीं उठेंगे तो यू नो मीटिंग मिस हो जाएगी गाड़ी मिस हो जाएगी तो जल्दी से सोने के लिए क्या करे शराब पी लें yeah. तो इस तरीके से वो छोटी छोटी बैसाखियां ढूंढने लगता है इंसान और फिर इस कॉम्पिटिशन में उसका शरीर थक जाता है फिर उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है फिर वो अपने आप को बहुत पीछे पाता है एक वो लड़का जो में आगे था बच्ची जो एकदम नंबर वन पे थी अब बहुत पीछे हो जाती है और फिर कैचअप नहीं कर पाती और अनसर्टेनिटी का क्या रोल लगता है आपको कि जो ये अनिश्चितता का भाव आ जाता है लोगों में कि नौकरी को लेके रिश्तों को लेके बिजनेस को लेके स्पेशली कोरोना के बाद ये अनसर्टेनिटी बहुत ट्रिगर हुई लोगों के अंदर उसका कितना रोल रहता है ये जो सर्वाइवल मोड की आपने बात की उसको ट्रिगर करने में ये जो सर्टनिटी लोग मांग रहे हैं ये सर्टनिटी ये परफेक्शन ये मांगना ही गलत है okay. क्योंकि जीवन तो अनसर्टन ही है सो ओनली डेथ इज सर्टेन वो निश्चित है वो निश्चित है, वो निश्चित है।, है। so fact, आप कितनी सुंदर बात कह रहे हैं के लोग डेथ से लड़ते रहते हैं इस इस सर्टिनिटी को अगर हम एक्सेप्ट कर ले तो हम हमारे बच्चों को माता पिता को ज्यादा टाइम देंगे अपने पार्टनर को ज्यादा प्यार करेंगे तो की कर लो, की कर लो, बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट और इनफेक्ट अगर हम देखें तो जब हम कोई सस्पेंस मूवी देखने जाते हैं तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ भी प्रिडिक्टेबल ना हो हाँ। अगर कुछ प्रिडिक्टेबल निकल जाए तो वे फील की हाँ, तो तो exactly. तो जब तो तो था। <laughs> था। <laughs> तो फील, फील फियर आपने एक वर्ड यूज किया था सर्वाइवल मोड क्या है ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करें ऑडियंस को तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है Okay. क्योंकि काउंसलिंग करते करते मुझे लगा कि कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है मुझे कहाँ जाना है वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ माई लाइफ और लोग यह सवाल आके मुझे भी पूछते यह सवाल तो तब मुझे ये सवाल उनके साथ एक्सप्लोर करना पड़ता था उन्हें क्या लगता है एक दिन मैंने सोचा कि सारे सवालों के जवाब ना हमारे आसपास ही होते हैं नेचर में अगर हम देखेंगे तो सारे सवालों के जवाब है तो आप देखो अपने आसपास का जितना नेचर है चीटी से ले के शेर तक ओके एक फंगस से ले के एक बड़े बरगद के पेड़ तक सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव so like, करने की कोशिश कर रहे हैं ओके yes. हर कोई अपने अलग अलग लेवल पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगा यार यही तो है यही तो करना है मुझे मुझे बस सर्वाइव करना है और मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ जैसे कि आपने अभी कहा कि डेथ सो सर्टन है तो मरूंगी तो मैं ज़रूर एक दिन सब मेरा नाम भूल जाएंगे तो फिर मैं ऐसा क्या करूं मतलब मैं तो यह सर्वाइव ही क्यों कर रही हूं तो जवाब उसका ये है क्योंकि मैं जो भी सीखूंगी वो मैं अपने आने वाले जनरेशन नॉट जस्ट मेरे बच्चे लेकिन मेरे साथ साथ जो लोग हैं जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं जिन लोगों से मैं इंटरक्ट कर रही हूँ तो ये सारे लोग इसे सीखेंगे इसी तरीके से ह्यूमैनिटी डेवलप हुई है जब हम अपनी कम्युनिटी की केयर करते हैं सर मैं मेरा मुझे खाना है मुझे पचाना है मुझे जमा करना है वो नहीं लेकिन हम जब अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं ताकि मैक्सिमम सर्वाइवल हो जैसे कि आप देखेंगे जितना इंटेलिजेंट जानवर हो जाता है सारे इंटेलिजेंट जानवर मैक्सिमम सर्वाइवल के लिए जाते हैं कि वो अपने पूरे कम्युनिटी को साथ लेके ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सके जो कहते हुए है ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में आप बहुत कुछ छोड़ के जा सकते हैं नो नो आप लेके कुछ नहीं जाएंगे बट यू कैन लीव सो मेनी थिंग्स अब कुछ लोग शायद अपना बंगला गाड़ी जायदाद छोड़ेंगे कुछ लोग शायद किताबें छोड़ जाएंगे कुछ लोग विचार छोड़ जाएंगे अपने जो विचार आ, शायद सालों दर सालों लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे जो आइंस्टाइन ने किया विवेकानंद ने बुद्ध ने किया ओशो ने किया आज वो नहीं है लेकिन आज भी इवन यंग जनरेशन भी इनके विचारों से लगातार आ, प्रभावित हो रही है सो सर्वाइवल मोड का जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया तो मैं आ, एक बहुत अच्छी किताब है रिचर्ड डॉकिंस की सेल्फिश जीन जी तो वो पढ़ी है आपने हाँ मैंने रिचर्ड तो उस पर थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं आई थिंक इट विल बी गुड फॉर पीपल सो उनके अकॉर्डिंग यह है कि जो जीन्स है हमारे ये जीन ही हमारे अंदर ये सारे बिहेवियर्स पैदा करते हैं इवन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फॉर केयरिंग फॉर पर्सपेक्टिव में देखते हैं अगर कि जीन है जो कि सर्वाइव करते हैं जीन दे यूज अस राइट टू प्रोपगेट दमसेल्व यस राइट कि अपने अपनी बॉडी अपना माइंड यूज किया अपने अंदर बिहेवियर जनरेशन लाए जिससे कि वो यूज़ कर सकें दैन हाउ कम स्परिचुअलिटी अकोमोडेट इट्सेल्फ इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर पूरा कम्प्लीट ये जेनेटिक कॉन्टेक्स्ट हम लेकर के चलें तो देन क्या लाइफ का कोई पर्पज़ है अपार्ट फ्राम दिस जेनेटिक पर्पज़ बिकॉज एज ह्यूमन बींग कई बार हम पोइट्री करना चाहते हैं म्यूज़िक बनाना चाहते हैं और पर्पस सेंस ऑफ पर्पस रखता है कि मेरी लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस है तो वो पर्सपेक्टिव इस कॉन्टेक्स्ट से कैसे रिलेट होता है एक होता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक होती है इंसाइट एक बार इंसान को इंसाइट आ गई ना तो फिर वो हमेशा के लिए बदल जाता है राइट right. अब हर ऑर्गेनिज्म की एक इच्छा होती है थे? कि वो अपने इनेट नेचर को समझ पाए कि मेरा असली नेचर क्या है और जो वो जितनी ज़्यादा अपने असली नेचर के करीब जाता है उसे धीरे धीरे उतना ज़्यादा मज़ा आता है शांति मिलती है अपने बारे में पता लगता है तो हर ऑर्गेनिज्म ये जो अपने नेचर को ऑब्ज़र्व कर रहा है और फिर उसके बाद जब वो देख पाता है किसी सामने की वाले की ईर्ष्या में भी खुद की ईर्षा को देख पाता है ओके खुद के गुस्से में सामने वाले के गुस्से को देख पाता है तो जब वो अच्छे से अपने आप को इस तरीके से ऑब्ज़र्व कर पाता है मेरे विचार से वो स्पिरिचुअलिटी है जब वो देख पाता है कि अरे हम सभी लोगों की एक ही जैसे तो इच्छाएं हैं भले हमारे यूनिफॉर्म अलग है किसी ने दाढ़ी बनाई किसी ने टोपी पहनी है किसी ने तिलक लगाए किसी ने गले में कोई माला डाली हुई है रोजरी पहनी हुई है ये तो सब अलग अलग यूनिफॉर्म है लेकिन हम सभी लोगों की इच्छाएं तो एक ही जैसी है हम सभी लोगों के हाथ में जब खुद का बच्चा आता है हम एग्जैक्टली exactly एक जैसा महसूस करते हैं और हम सभी लोग एग्जैक्टली exactly एक जैसा रोते हैं तकलीफ में आ जाते हैं जब अपने प्यार करने वाला कोई छूट जाता है सो right. so इस चीज़ को देख पाना स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से है इफ आई एड मेनी टाइम्स जो हमारे कम्पल्सिव इंस्टिंग रिएक्शन है right? उन से अगर हम कॉन्शियसनेस की तरफ आ जाते हैं राइट तो ये जो शिफ्ट होता है कि एक तो हमारे सारे कंडीशन रिस्पॉन्स है कि हल्की से भूख लगी तो रिएक्शन जो आ रहा है वो एक कंडीशन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमसे जनरेट हो रहा है बट एज ह्यूमन बींग वी हैव डेवलप्ड हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस सो दैन वी कैन ऑब्जर्व इट एज वेल बट आई थिंक दिस एबिलिटी टू बी कॉन्शियस ऑफ योर ऑन नेचर Uh, it uh, depends on certain level of cerebral capacity for example mosquito design is not uh, in such a way or maybe a tortoise or maybe other animals uh, their cerebral capacity is not to a level where they can even ask this question that what is the purpose of my life right they get sensory input and they are just reacting to those inputs compulsively right so this question that yamari life ka purpose hai? And, uh, क्या मैं अपने नेचर को समझना चाहता हूँ सो डू यू थिंक ये एक ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी आपके ब्रेन को एक सर्टन लेवल पर इवोल्व होना पड़ता है तभी ये सवाल भी आपके अंदर आ सकता है अदरवाइज़ एलिफेंट इज़ नेवर आस्किंग हु इज़ गॉड व्हाट इज़ माई एक्जिस्टेंस व्हाट है आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ एंड इज नॉट एबल टू आस्क दिस क्वेश्चन सो सो यहाँ पर फिर एक सवाल उठ जाता है कि आपके ब्रेन को एक लेवल तक होना पड़ेगा ये सवाल पूछने के लिए भी सो so, फिर क्या आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है इज इट ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रेन ओनली आई वुड इन कि सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व है क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है एक तो आपको वो एनवायरनमेंट भी लगेगी यू you नो know, जो आपको ये सवाल पूछने में मदद करे अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ अगले टाइम खाना कहाँ से आएगा यही नहीं पता तो फिर आप कहाँ से ये सारे सवाल पूछोगे अगर आपके पास वो पोटेंशियल भी हो तो वो शायद वो पोटेंशियल मैल नरिशमेंट में खो जाएगी तो एट अ सर्टन लेवल कुछ नीड्स का सेटिसफाई होना बहुत ज़रूरी है लेकिन इंसान ने भी थोड़ा कॉन्शियस होकर देखना ज़रूरी है कि हाँ मेरे इतने ही नीड्स थे अब मैं ज़बरदस्ती नीड्स बढ़ाओ नहीं कि मेरी इच्छा थी कि मेरे बीस शर्ट होने चाहिए अच्छे वाले अब वो बीस शर्ट हो गए हैं तो मुझे थ्री सिक्सटी फाइव डेज़ के लिए थ्री सिक्सटी फाइव शर्ट्स नहीं चाहिए ओके right. okay? कहीं पे तो आप वो एक डिमार्केशन अगर आप कर देंगे और फिर उसके बाद इंसान के पास एक टाइम रहता है कि जब वो एक ब्रेक लेके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछना शुरू करे और आ, एक समय था जब हमारे देश में भक्ति मोमेंट चलता था जब लोगों को इंकरेज किया जाता था लोगों का शाम का एंटरटेनमेंट ही ये होता था कि आ जाओ मंदिर में प्रवचन चलने वाले गीत चलने वाले हैं सब मिलके आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी खाना वाना बना के पहुँच जाते थे और यू नो आध्यात्मिक सवालों पे सोच पे right. तो एक समय वैसा था एक समय आज का है जहाँ आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं right. और इन्हीं सवालों के ऊपर चर्चा ले रहे हैं अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग सर्वाइवल मोड में ही खो जाते हैं कई बार उससे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं सो सर्वाइवल मोड में एक और चीज़ देखी गई है कि लोग बहुत ओवर थिंकिंग का नेचर बहुत बढ़ जाता है उन लोगों का वरी के पैटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं सो so, अगर आप इस पर कुछ गाइडेंस लोगों को दे सकें कि अपने ओवर थिंकिंग माइंड को किस तरीके से शांत किया जाए और क्या वो कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को डील करने के लिए मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी कॉगनेटिव थेरेपी की है जिसमें विचारों पे ज्यादा काम होता है Good. और एंगजाइटी के के केस में मैंने देखा है एक चीज के लिए अगर आप खुद को प्रिपेयर करेंगे कि जो भी बुरे से बुरा होगा मैं सह लूंगा इसके लिए अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तो बहुत हद तक एंगजाइटी कम होगी इसको और थोड़ा रिफाइन कर सकते जो भी बुरे से बुरा होगा मैं सह तो लूंगी लेकिन मैं खुद को माफ भी कर दूंगी ओके क्योंकि हम ये ही नहीं बोलते कभी हम खुद को माफ कर देंगे गलती करने के बाद तो फिर हम बहुत अलर्ट रहते हैं कि गलती नहीं करें जैसे आपके यहाँ पे मैं बैठी तो मुझे आराम से बैठने की आदत है और जहाँ भी जाऊँगी तो पैर वेर उठा के बैठूंगी लेकिन किसी होस्ट को ये अजीब भी लग सकता है बुरा भी लग सकता है अब ये अगर मैं पूछूंगी तो मेरा मजाक उड़ सकता है तो ये अगर मैं ओवर थिंक करती रही तो तो मैं अब से कभी पूछूँगी ही नहीं ना तो मैंने अब ये सोचा कि नहीं यार अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैडम ऐसा कोई बैठता नहीं है यूजुअली तो फिर मेरा थोड़ा मजाक तो उड़ जाएगा मतलब तो <laughs> थोड़ा मेरा इंसल्ट तो हो जाएगा <laughs> लेकिन मैं अपने आप को माफ़ कर दूंगी उसने क्या okay. इतना खुद को सीरियसली ले लेने की क्या ज़रूरत है ठीक है उसने क्या है सो so, ये जो एक टेंडेंसी है या प्रिपेडनेस है हम बोले कि मैं खुद को माफ़ करने के लिए रेडी हूँ तभी जाके हम चांस लेते हैं इनिशिएटिव लेते हैं कुछ नया करते हैं कुछ क्रिएटिव निकलता है वरना तो सारे लोग सेम चीज़ बार बार लगातार किए जा रहे हैं सो so, जैसे कई लोगों में एक एनालिसिस पैरालिसिस या परफेक्शन सिंड्रोम की आदत होती है उन्हें कि जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी मैं शुरू नहीं करूँगा अगेन ओवर थिंकिंग से ये चीज़ परफेक्शन सिंड्रोम में कन्वर्ट होती है उस पर अगर आप कुछ गाइड कर सकें लोगों को कि कैसे इस स्टेप में से बाहर निकलें कई लोग दे वॉन्ट टू मेक वीडियोस बट दे थिंक कि अभी मेरा वीडियो परफेक्ट नहीं है और अभी मैं शुरू नहीं करूँगा और जब सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी तब शुरू करूँगा और फिर वो महीनों दर महीनों पोटेंशियल होने के बावजूद दे आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन इट जस्ट बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट थिंग सो मैंने जो ऑब्जर्व किया ये किया कि डीप डाउन जो ये लोग परफेक्शन ढूंढते हैं दे हैव एक्चुअली फियर ऑफ़ जजमेंट एंड फियर ऑफ़ क्रिटिसिजम टीपर लेवल फियर ऑफ़ फेलियर फियर ऑफ़ रिजेक्शन फियर ऑफ़ एम्बेरसमेंट कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भी कोई आकर के क्रिटिसाइज कर देगा सो विद दिस और, इस थोड़ा और आप कर सकें, अपने ही मैंने नोटिस किया है कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ ना तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता अच्छा। ये मेरे साथ बहुत बचपन में होता है अच्छा। आप देखेंगे कोई भी बच्चे बहुत ज्यादा बात करते हैं लड़कियां हैं बहुत बात करती है तुम बहुत बात करती हो दादी अम्मा हो तुम क्या <laughs> तो ऐसे बहुत बोलते हैं <laughs> तो आ, तब धीरे धीरे मैंने सोचा यार संभल के बोलना पड़ेगा लेकिन मैं बोलना बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा ट्रू नेचर है तो फिर मुझे संभल के सोच समझ के बोलना पड़ेगा धीरे धीरे मैंने एक इंट्रोवर्ड नेचर डेवलप किया है जहाँ पे आ, मैं किताबें ज़्यादा पढ़ती हूँ ओके मैं वीडियोस देखती हूँ नई कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करती हूँ वीडियो लर्निंग से या किसी और फॉर्मेट से लिमिटेड फ्रेंड्स बनाती हैं और फ्रेंड्स के साथ भी मैं वन ऑन वन बात करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ okay. तो ये इंट्रोवर्ट बनना ये मुझे बहुत काम आया तो आप लोगों में से जितने भी लोग इंट्रोवर्ट है परफेक्ट आप अपना अकेला वाला जो समय है खुद को डिवेलप करने में लगाइए खुद को बेहतर बनने में तो जब हम ऐसा करने लगते हैं खुद को बेहतर बनाने में लगने लगते हैं एक ना हमको अंदर से कन्विक्शन आ जाता है कि यार मुझे तो लग रहा है कि मैं अच्छी हूँ मुझे तो लग रहा है मैं पहले से बहुत आगे आ गई हूँ ओके okay? एक ये एस्पेक्ट है दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमें ना कहीं पे आ, दो तरीके के फीडबैक को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है और चाहिए एक है एवरेज फीडबैक तो अगर आपका एवरेज फीडबैक आपके कमेंट सेक्शन में कह रहा है सर बहुत अच्छा पॉडकास्ट था सर इस सवाल पे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा जवाब तो मैंने कभी देखा ही नहीं सुना ही नहीं तो अगर आपका एवरेज फीडबैक पॉजिटिव है तो आप कुछ सही कर रहे हो राइट right. और दूसरी टाइप का फीडबैक जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सपर्ट फीडबैक जो जिस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है उस विशेषज्ञ ने आपको जो भी कहा है क्या वो फीडबैक काम की है ऐसा जरूरी नहीं है एक्सपर्ट हमेशा सही बोलेंगे हो सकता है एक्सपर्ट आपसे हो गए एक्सपर्ट को लग रहा है कि आप बहुत आगे जाएंगे तो आपको गलत दिशा दिखा देंगे ऐसा हो सकता है, है।, है।, है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट की कही हुई बात से सीखने लायक हमें कई बार बहुत मूल्यवान चीजें मिल जाती हैं है और आखिरी चीज अपने आप को इतना सीरियसली मत मतलब कि यार हम तो कुछ गलती नहीं करेंगे हम तो एकदम परफेक्ट रहेंगे फिर ही सब हमको पसंद करेंगे फिर कोई हमको रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अगर कोई आपको रिजेक्ट भी करता है आपको तो अपने साथ रहना आना चाहिए ना। अगर आप अकेले आराम से रह सकते हैं तो करें लोग रिजेक्ट करें नहीं सुने आज हमारी बात ऐसे हमारे पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं जो अपने समय से बहुत आगे बात करते थे और उनकी बात कोई नहीं समझ पाता था लेकिन अब जब हम उनकी बातें सुनते हैं जैसे कि अब मैं देखती हूँ रजनीश की बातें ओशो रजनीश की बातें पढ़ने वाले फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। है। yes, <laughs> yes. तो वो जरूर अपने थे। थे। so so अप्रोच के अंदर एंड टूडे जनरेशन इज एबल टू रिलेट आफ्टर ही इज गॉन नाउ पीपल आर एबल टू रिलेट देट वीज टॉकिंग बिल्कुल रो है बिल्कुल ओपन है कोई डिप्लोमेसी नहीं है इतना बोल्ड मतलब उस जमाने में इतनी बोल्डनेस कितना करेज अंदर से चाहिए दैट इज मेकिंग एनी राइट क्योंकि अभी भी अगर आप पॉडकास्ट सुनेंगे कंटेंट सुनेंगे आपको सब लोग सेफ खेलते हुए नजर आएंगे yes. सब बहुत स्वीट और अच्छी बातें कहते हैं। मैंने कौन सा अभी तक कंट्रोवर्शियल कुछ कहा है कुछ ah. नहीं कहा है। <laughs> क्योंकि मुझे मशाल लेके लोग मेरे घर के दरवाजे तक आए वो नहीं चाहिए <laughs> <laughs> ऐसा नहीं है right. कि मेरा कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन नहीं है yes. मुझे वो देना नहीं है राइट right. ट्रू लेकिन वहां पे आप सोचिए जब एक इंसान को कोई माया नहीं है कि मेरे पीछे क्राउड हो तब आपके पीछे एक क्राउड आ जाती है इनफैक्ट आप इस दुनिया में मत रहो आपको याद करने वाली एक क्राउड रह जाती है आप सोचिए कि कितना पावरफुल है खुद को सीरियसली नहीं लेना सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट कि पीपल डेवलप दिस काइंड ऑफ टेंडेंसीज दैट द स्ट्रांग फियर ऑफ क्रिटिसिज्म बिकॉज दे वर माइक्रो मैनेज इन देयर चाइल्डहुड कि उनके माता पिता ने उनकी हर छोटी बड़ी गलती को ऐसा हाईलाइट करके बताया

उसको वैसे ही ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए कि मैं क्यों आगे नहीं हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से <laughs> तो इंसान को कोई चाहिए रहता है ब्लेम करने के लिए लेकिन हमें कहीं मेरा ये समझने की ज़रूरत है कि हम हमारे पेरेंट्स को अगर ब्लेम कर रहे हैं तो ये वैसा ही है कि हम जिस डाली पे बैठे उस डाली को काट रहे हैं उनको जो हो सकता था वो उन्होंने बेस्ट हमको दिया है ये आप लिख के ले लो आपको शायद आपके दोस्तों से कम मिला है ओके आपको शायद अपने रिश्तेदारों से कजन से कम मिला है कि जैसे आ, इसी सप्ताह मुझे एक यू नो एक महिला से मैं काउंसलिंग कर रही थी जो बहुत उदास थी इस बात से कि उनके भाई को बड़ा इनक्रेज किया गया था करियर में आगे बढ़ने के लिए और उन्होंने एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया था लेकिन उनको आगे जाके पढ़ने का मौका नहीं मिला फ़ीस के पैसे नहीं भरे डिलिबरेटली पेरेंट्स ने उन्हें पीछे रखा अच्छे से उनके करियर को बर्बाद करने में कॉन्ट्रीब्यूट किया अब उनके मन में इस चीज़ को लेके 20 साल निकलने के बाद भी बहुत मलाल है वो हर रोज़ यही सोचती रहती है यही सोचते रहती यस yes, कि अरे वो वाला उस मोड पे मैंने गलत टर्न ले लिया उस मोड पे मेरे मेरे साथ गलत हो गया उन्होंने मेरे साथ बुरा कर दिया उन्होंने मेरे साथ बुरा वो भले आगे जा रही है क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि वो अभी भी अपने दिमाग में वो पिछले वाले टर्न के बारे में सोचे जा रहे हैं कि जहाँ गलत टर्न ले लिया था इनफैक्ट अगर वो आगे देखेंगी तो वो जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी इस पर कहानी जस्ट कटिंग कहानी मुझे याद आ रही है मस्त मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बार दो फ्रेंड थे तो वो फ्रेंड एक आइलैंड पे पार्टी करने चले गए अब रात को लेट तक पार्टी कर ली अब दोनों ही नौकरी करते थे तो सुबह जल्दी भी जाना था तो अब वो तुरंत एक डेढ़ दो बजे एकदम से याद आया कि घर भी जाना है तो तुरंत बोट ढूंढने गए कि क्योंकि आइलैंड पे गए थे तो बोट से फेरी से वापस आना था तो बोट ढूंढ रहे कोई सैलरी नहीं मिल रहा तो फिर एक बोट पड़ी हुई थी तो कहा कि खुद ही चलाते हुए चप्पू चलाते हुए ले जाते हैं इसको हाँ। तो दोनों बोट में बैठ गए और चप्पू चलाना चालू कर दिया आधे नशे की हालत में चलाते गए चलाते गए चलाते गए फिर एक पॉइंट पे आकर के थक गए तो कहा कि यार अब तो ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले होंगे अपन अंधेरा और रुका है पर थोड़ी देर अब रेस्ट कर लेते हैं तो वहीं बोट में थोड़ी देर रेस्ट कर लिया अब सुबह छः साढ़े छः बजे टाइप नींद उठी उजाला हुआ नींद उठी तो वहीं आइलैंड पे थे फिर बोले हमने तो इतने चप्पू चलाए थे फिर कहीं पहुँचे कैसे नहीं तो पता चला कि जो एंकर था उसको तो निकाला ही नहीं खूंटे से बंदी हुई थी बोट तब कई बार हम एक्चुअली अपने वो पास्ट के खूटों से बंधे हुए रह जाते हैं और जिंदगी को चलाने का प्रयास करते हैं तो फिर फंस जाते हैं बट फिर भी यहाँ पे अपन देखें तो पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस हो सकता है स्पेशली जानबूझ के कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए कुछ गलत चीज़ कभी सोचता नहीं है बट मेनी टाइम्स इंटेंशन इज नॉट इनफ नो यू माइट है बट एक्शंस आल्सो मैटर जैसे एम एस धोनी के माता पिता ने Uh, उसे टीसी बनवा दिया ठीक है अब उनकी इंटेंशन तो करेक्ट थी राइट बट द एक्शन वाज नॉट राइट राइट ठीक है सो मेनी टाइम्स दे आर नॉट एक्सपर्ट टू मेक चॉइस फॉर यू राइट दे आर प्रोग्रामड टू कीप यू सेफ दे आर नॉट प्रोग्रामड टू मेक यू सक्सेसफुल नो उनका प्रोग्राम आपको सिक्योर कंफर्ट सेफ्टी में रखना और वो, वो अपने प्रोग्राम से चल रहे हैं right. उनकी जिंदगी में उनके सीखे हुए प्रोग्राम से एक अलग जेनरेशन की yes. वो इस जेनरेशन के सारे सत्य नहीं जानते राइट right. तो उन्हें कैसे एजुकेट किया जाए क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि पेरेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है जिस स्किल के बारे में ऐसे ही नहीं कि हम बिना सीखे पेरेंट करना चालू कर दें मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल चीज आप गाड़ी चलाना भी सीखते हो बाइक चलाना सीखते हो साइकिल चलाना सीखते हो लेकिन पेरेंट बच्चे को पेरेंट करने का आपका क्या एजुकेशन है आपका एकमात्र एक्सपीरियंस है जो कि आपकी खुद की जो हुई थी राइट ऑनेस्टली हंड्रेड परसेंट तो सिर्फ वही एक्सपीरियंस है आपके पास में हा, बाकी हा, किसी दूसरों के आपको बिट्स एंड पीसेज में पता है लेकिन कंप्लीट एक्सपीरियंस तो सिर्फ एक ही है जो आपका जो हुआ वही आपके पास में एक्सपीरियंस है तो हाउ वी कैन एजुकेट दैम सो दैट कई बार वो जो बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना है कई बार वो जो प्रेशर डालना है उन्हें टॉप कराने का आज बहुत सारे बच्चे टेंथ क्लास में बोर्ड एग्जाम के प्रेशर से इवन सुसाइड तक कर लेते हैं बिकॉज अब पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चे ये करें ठीक है वो अपने बच्चों के लिए भलाई चाहते हैं मगर क्या वो ऐसी मिस्टेक्स रहती हैं उनको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं उस पर अगर आप कुछ पेरेंट्स के लिए स्पेशली अगर कुछ गाइडेंस दे पाए मैं इस बात पर जाऊँगी कि पेरेंट्स गलती कहाँ से करना शुरू करते हैं ठीक है जब एक बच्चा हमारे गोद में आता है हमको मिलता है हम तो पागल हो जाते हैं खुशियों से ओके हाँ. okay? दिमाग में ऑक्सीटोसिन के फवारे <laughs> मतलब फूट रहे हैं मतलब तो पागल हो रहे हैं हर right. कोई उस बच्चे को लेके इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है सब सही चलता है जब तक कि हम उसको ढाई साल में प्ले ग्रुप में नहीं भेजते जो ना हमने उसको प्ले ग्रुप में भेज दिया वहाँ से शुरू होता है कम्पेरिजन तो वो ग्रेटिट्यूड कहीं ओवरटेक हो जाती है फियर ऑफ कॉम्पिटिशन से अरे मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा फिर मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा फिर उसको नौकरी कैसे मिलेगी फिर वो उसकी यूनिकॉर्न कंपनी कैसे खुलेगी <laughs> <laughs> सभी पेरेंट्स को लगता है कि हमने जीनियस पैदा किया है है ना जो हाँ, टॉप भी कर लेगा एमबीए भी, भी कर लेगा सब कर लेगा सब कर लेगा, कर लेगा। और सारी इतनी सारी कहानियां ये जो टॉपर्स की कहानियां हैं वो इस तरीके से मार्केट भी तो हो रही हैं कि जहां पे आपको बस टॉप ही करना है लेकिन असल में अगर पेरेंट्स उस ग्रैटिट्यूड को बनाए रखे कि भगवान तुमने मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया थैंक यू दूसरी चीज अपने बच्चे के साथ यू you नो know, थोड़ी कॉन्शियस पेरेंटिंग करें उसको सवाल पूछे लेकिन उसकी बात सुने और उसको इंटेलिजेंट क्वेश्चन करना शुरू करें एक तो हम बच्चों की बातें सुनते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत बकवास करते हैं <laughs> मेरी पेंसिल खो गई उसने मेरा पेंसिल चुरा लिया फिर उसके बाद टीचर ने मुझे सबके सामने उठा के डांट दिया फिर उसके बाद वो वाले लड़के मेरे साथ खेल ही नहीं रहे वो लोग तो मेरे साथ इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे उन्होंने अपने ग्रुप में मुझे लिया ही नहीं उन्होंने अपना अलग सा ग्रुप बना लिया है ये सारी जो उनकी बातें हैं सोचने जाए तो उनको बहुत बोरिंग और बकवास लगती है लेकिन अगर हम उनकी बकवास सुनेंगे नहीं ना तो फिर वो अपनी बातें हमको बताएंगे नहीं और एक दिन अपनी जरूरी बातें भी हमको नहीं बताएंगे तो उनकी बातें सुनना बहुत जरूरी है जब हम सच में उनकी बातें सुनेंगे और फिर उनको इंटेलिजेंट सवाल करने लगेंगे तो फिर तुमने क्या किया तुम क्या करने वाले थे अगली right. बार क्या करोगे जस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन जस्ट क्यूरियस इंटेलिजेंट क्वेश्चन तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए सो right. so, इससे बच्चा हमारे सवाल के ऊपर बेस करके खुद अपने आप से सवाल करेगा इनफैक्ट तब वो बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकेगा स्कूल वाले हमारे बच्चे को सिर्फ यूनिफॉर्म बनाने में मदद करेंगे ताकि वो यू you नो know, भीड़ में सबके साथ सबके जैसे बने रहेंगे ताकि वो भीड़ में किसी को परेशान नहीं करेंगे विच इज़ ओके क्योंकि भीड़ में सबको परेशान करेंगे तो भीड़ उनको परेशान करेगी सो दैट्स ओके लेकिन फिर भी भीड़ में खो नहीं जाए मेरा बच्चा उसके लिए तो मुझे ही तैयारी करनी है क्योंकि भीड़ ऐसी ही जगह है जहाँ पे लोग खो जाएंगे तो मुझे अपने बच्चे को इंटेलिजेंट थिंकर बनाना है बाय आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस और उनके प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर डाले विक्ट्री या लॉस पे नहीं देखो जीतोगे तो ठीक है जीत गए जीतना भी किस्मत की बात है हारोगे तो ठीक है हार गए कोई भी हार फाइनल नहीं है लेकिन अगर कुछ ज़रूरी है तो वो तुम्हारा प्रैक्टिस है तो तुम नाइन्टी परसेंट लाए अच्छी बात है तुम यू नो थर्टी फाइव परसेंट लाए जैसा पढ़ोगे वैसे मार्क्स आएगा तो लेकिन ज़रूरी ये है आई रियली अप्रीशिएट आज तुम पढ़ रहे थे वेरी गुड दूसरों को बताना अपने रिश्तेदारों को बताना मेरा बच्चा रोज़ पढ़ता है एक घंटा मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी ये आदत मेरा बच्चा अपने को को एकदम रखता है, सारी सारी चीजें जगह पे मिलेंगी, इन चीजों ये जो life skills है, इनको अगर हम करेंगे, तो बच्चा सच में जाके जाके आगे एक problem solver बनेगा। right. जब वो problem solver बनेगा, तब जाके वो सोसाइटी को वैल्यू देगा तब जाके उस वैल्यू की वजह से वो सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली हो जाएगा Beautifully explained. So I think in points पे parents ज़रूर ध्यान दें सो so दैट एक सिविलाइज और एक अच्छा सिटीजन आप देश को दे सकें सो मूविंग ऑन टू अवर टॉपिक ऑफ मेंटल हेल्थ सो जैसे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रिसेंटली बढ़ गया है इवन जो सुसाइड्स हैं वो भी बहुत बढ़ गई हैं सो so, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कई बार मेंटल uh, हेल्थ के अराउंड इतना स्टिग्मा है कि लोग अपने इश्यूज क्लियरली बात नहीं करते हैं। तो क्या ऐसे कुछ सिग्नल्स होते हैं जो व्यक्ति दे रहा होता है जिसको कि वो भले ही नहीं भी बताए तो भी हम समझ सकें उस पर अगर आप कुछ बात करें तो तो एक चीज ये है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हुई है कि दिमाग बिगड़ सकता है अस्वस्थ हो सकता है लेकिन उस पर जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज है उसमें एक्सेप्टेंस उतनी ज्यादा नहीं आई है okay. तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे यार मुझे एंगजाइटी है मुझे मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ तो जाओ जाके दवाई लो उसके लिए जाओ जाके काउंसलिंग करो जी नहीं मैं वीडियो देख के अपना डिप्रेशन ठीक करूंगा <laughs> मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा योगा करूंगा वाटर थेरेपी करूंगा और डिप्रेशन ठीक करूंगा ए, वो सब करने से दूसरे किसी समय इंसान को मदद मिलती है लेकिन अभी आप एक बीमारी से गुजर रहे हैं जैसे बुखार हो गया है और बुखार उतर नहीं रहा है एक हफ्ते तक तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं पट्टी कर लेंगे पैरासिटामोल खा लेंगे वो तो सब ठीक ही हो जाएगा ना क्या प्रॉब्लम है आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोलते हैं आपको जाओ जाएगी इन्वेस्टिगेशन कराओ ब्लड टेस्ट कराओ पता लगे कि क्या कौन सी बीमारी हो गई है ठीक उसी तरीके से ट्रीटमेंट के लिए ओपन होना पड़ेगा दवाई अगर लेनी पड़ेगी तो लीजिए दवाई को लेकर बहुत ज़्यादा डर है कि एक बार शुरू कर दिया तो वो रुकेगा नहीं फिर हमारे दोस्त और वेल मीनिंग रिश्तेदार कभी कभार हमारे फैमिली डॉक्टर्स भी दवाई ले रहे हो साइकाट्रिक क्या बात कर रहे हो नहीं 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 ये सब सब बुरी चीजें मतलब मतलब फिर काउंसलिंग ये काउंसलिंग तो हम ही करा देंगे हम कर देंगे अपने बच्चे की काउंसलिंग क्या जरूरत है किसी काउंसलर के पास जाने की राइट right. तो ये जो ओपननेस का अभाव है ट्रीटमेंट के प्रति ट्रीटमेंट के प्रति एक कंजूसी है हम्म hmm, कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी नहीं ले रहे हैं राइट right? तो अगर वो बदल जाएगा तो मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ के प्रति सच में हम रिजल्ट देखने लगेंगे सपोज कि कोई शेयर नहीं कर रहा है किसी से तो कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं कि कोई इंसान अकेला बैठ रहा है या थोड़ा हो रहा है दुनिया से तो क्या पता लग सकता है घर वालों को या फ्रेंड्स को कुछ ऐसी चीज आप बता सकें तो देखिए शुरुआत में अगर किसी का बिहेवियर ऑड है ना तो हमको पता लग जाता है कि इसका बिहेवियर ऑड है okay. मतलब इन्वॉल्वमेंट कम हो जाना ओके okay, लोगों को अवॉइड करना अकेले अकेले में रहना हर चीज़ को लीजिए एक्सट्रीम डर घर से बाहर निकल ही नहीं रहे डर के मारे सो so, हमको वो ऑर्ड बिहेवियर नज़र आता है और जब भी आपको ऑर्ड बिहेवियर नज़र आए कोई भी बिहेवियर अगर आपको लग रहा है ये ऑर्ड है तो आप जाके साइकाइट्रिस्ट से उसको उसकी परीक्षा करवा ले पता कर ले क्योंकि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस सिर्फ एंग्जाइटी और डि, आ, डिप्रेशन नहीं होते उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है सपोज हाथ धोता है बहुत ज़्यादा

वो विचार का आना मैं रोक ही नहीं पा रही वो जब भी आता है वो मुझे विचलित कर देता है और उस विचार को रोकना मेरे लिए इम्पॉसिबल उसे डिस्ट्रैक्ट होना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी मैंने नोटिस किया है जब मैं वो विचार आता है और हावी हो जाता है मैंने अगर कोई एक्शन लिया ना तो वो एक्शन मुझे थोड़ा रिलीफ देता है तो वो एक्शन जो मैं बार बार दोहराने लगती हूँ रिलीफ पाने के लिए वो है कंपल्शन तो जर्म्स का विचार ऑब्सेशन है और हाथ धोना कंपल्शन है ओके right. okay? जैसे कि अ सेक्सुअल विचार बार-बार आना ऑब्सेशन है और उसके बाद जाके पोर्नोग्राफी देख लेना कंपल्शन हो गया ये और ऐसे कुछ एग्जांपल आप दे सकें जो आपने एक्सपीरियंस किया हो अपने क्लाइंट्स के साथ में कुछ लोगों को मेरे ख्याल से चीजें ऑर्गेनाइज रखना या कहीं भी गंदगी दिख जाए तो उसको साफ करना right. ये भी so, कुछ ओसीपीडी और ओसीडी

बात की जाती है तो उस लेवल पे कुछ अगर टिप्स दे सकें पॉडकास्ट के माध्यम से कि लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं एटलीस्ट टू रिड्यूस इट तो टिप नंबर वन है कंजूसी मत करो और थेरेपिस्ट के पास जाओ <laughs> तो सीबीटी से पूछा तो मैं कहूंगी सीबीटी बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप अपने थॉट्स को रजिस्टर कर सकते हैं कि ए मतलब एक्टिवेटिंग सिचुएशन सिचुएशन क्या था अगर हम स्टॉकर वाला एग्जाम्पल लेंगे सिचुएशन ये था कि मैं मुझे एक फ्लैश हुआ कि जिस हीरोइन को मैं पसंद करता हूँ फिर आ, उसने एक नई फिल्म साइन की है कि ये मैसेज स्टॉक हुआ ये सिचुएशन था फिर उसके बाद बी मेरे दिमाग में विचार आया कि बी मतलब बिलीफ सिस्टम मेरे विचार में विचार आया उसने सही पिक्चर साइन की है ना अगर उसने गलत पिक्चर साइन की होगी तो कहीं पर उसका यू नो करियर ख़राब नहीं हो जाए सब सही होना चाहिए उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए उसका देखो तो हीरो कौन है उसके साथ फिर उसके बाद मैं और ज़्यादा उसके बारे में सर्च करने लगती हूँ so, सर ये कॉन्सिक्वेंट मेरा बिहेवियर हो गया सी कॉन्सिक्वेंट बिहेवियर उसके बारे में सर्च करना हीरो के बारे में सर्च करना कौन प्रोड्यूसर है उस बारे में सर्च करना ओके okay, और फिर जैसे अगर मुझे ये बात पसंद नहीं आई क्या होगा क्या होगा तो वो जो एंग्जाइटी मुझे फील हो रही है कि वो कहीं गलत स्टेप नहीं ले ले ओके okay? लेके right. वो वो जल्दी से उसे मैसेज कर देना कि यार तुम इस हीरो के साथ काम मत करो ये बहुत गलत आदमी है वो मुझे मैसेज पड़ेगी ना वो रिस्पॉन्ड करेगी ना वो उस बारे में जो एंगजाइटी हो जाती है वो कॉन्सिक्वेंट इमोशन हो गया राइट right. सो okay? so, ये ए बी सी एक मॉडल है जहाँ पे हम हमारे सिचुएशन के हिसाब से बिलीफ सिस्टम को लिखते हैं एक्टिवेटिंग सिचुएशन के हिसाब से बी बिलीफ सिस्टम को लिखते हैं सी कॉन्सिक्वेंट इमोशन और कॉन्सिक्वेंट एक्शन उसको पता लगाते हैं और फिर जो विचारधारा है बी में उसे हम चैलेंज करते हैं okay. कि यार ठीक है ना कुछ गलतियाँ करेगी तो करेगी सीखेगी तो सीखेगी वो अपने हिसाब से वो अगर कुछ गलती भी करेगी सच में अपने को क्या फर्क पड़ता है राइट right. वो हमको पहचानती ही थोड़ी है उससे रिश्ता ही क्या है हमारा एंटरटेनमेंट का Right. Entertainment तो हम जाएंगे उसकी फिल्म देखने entertainment नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे देखने तो right. तो ये है D for disputing, कि अपनी गलत विचारधारा के के साथ करना करना तर्क करना। okay. Okay? तो आप जब के पास जाते हैं वो ये ए बी सी डी जो टेक्निक है वो आपको अच्छे से सिखाती है फिर उसके बाद आप धीरे धीरे ना अपने साथ खुद ही बात करते हैं खुद ही अपने विचार लगा सकते हैं बाहर निकलने के लिए सो वन मोर थिंग जो आपने अभी जैसे हम ऑब्सेशन पे बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि एक लड़का था उसने कुछ लड़की के कपड़े पहन करके कुछ वीडियो डाला और उसको ट्रोल कर दिया गया और उसने सुसाइड कर ली ठीक है आई थिंक चौदह पंद्रह साल का बच्चा सा है और वो जो मर गया है उसके पोस्ट पे भी लोग आके गलत चीज़ें लिखना अच्छा हुआ गया ये किए गया वो गया सो so, आजकल की यंग जनरेशन में जो ट्रोलिंग है जो नेगेटिव कमेंट्स है लोग किसी भी हद तक विदाउट बीइंग सेंसिटिव कि कोई व्यक्ति इसको कैसे ले सकता है तो इसमें आप क्या मैसेज दे सकते हैं दोनों पर्सपेक्टिव में एक वो कि जिसमें जिसको ट्रोल किया जा रहा है वो उस ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करे एक वो जो ट्रोल करते हैं उनमें कैसे एक सेंसिटिविटी आए कि उनकी ट्रोलिंग का इम्पेक्ट सामने वाले पे क्या जा सकता है मैंने ना काम किया है बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा काम किया है ट्रांसजेंडर्स के साथ या बाईसक्शुअल्स के साथ और मैंने नोटिस किया है इनमें से बहुत सारे लोग बस एफर्मेशन और प्यार के भूखे होते हैं मतलब वो बस चाहते हैं कि कोई मुझे अच्छे से इंसान माने मैं जैसा हूँ मुझे मुझसे अच्छे से बात करे तो ये उनकी नीड बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अगर ये नीड घर से अच्छे से पूरी होगी तो बाहर क्यों जाएंगे अच्छा चलो टीन में कई बार हमें घर के वालों की अप्रिसिएशन वैल्यूल नहीं रखती हमको बाहर वालों की चाहिए रहती right. है। तो एज दोस्त अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है उसको ज़ोर ज़बरदस्ती यू you नो know, जो टिपिकल मैस्कुलिन आ, इमेज है उसमें ढालने के लिए मतलब यू नो जोर ज़बरदस्ती उसको टिपिकल मैस्कुलिन इमेज में वो ढल जाए इसकी ज़बरदस्ती करना या टिपिकल फेमिनिन जो इमेज है इसकी ज़बरदस्ती करना ये अगर हम नहीं करेंगे तो कई बार हमारे एक्सेप्टेंस की वजह से ही हमारा दोस्त बहुत ज़्यादा निखर जाएगा समय के साथ हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे डर के वजह से यू you नो know, रोके तोड़े मरोड़े और बोले कि तुम वैसे ही बिहेव करो जैसा हम चाहते हैं hmm. उसके बदले हम जस्ट उसको थोड़ा स्पेस देंगे थोड़ी एक्सेप्टेंस देंगे थोड़ी दोस्ती देंगे तो पता नहीं वो निखर के कितना सुंदर बन जाए वो कौन right. से रूप को धारण कर ले right. क्योंकि हमारे देश में तो हमने देखा है कि लड़के कथक में भरतनाट्यम में कितना अच्छा डांस कर लेते हैं कितनी फेमिनिन यू नो भाव लेकर आते हैं और वो सीखने लायक होता है उनके पास से right. तो हम जोर नहीं डाले और ट्रोल्स का ये है ना हर ट्रोल को सोचना चाहिए कि मैं अनजान नहीं हूँ क्योंकि ट्रोलिंग करनी इसलिए आसान है क्योंकि मैं कोई नहीं हूं ना मुझे कौन पहचानता है राइट right. लेकिन अपने आप को इतना छोटा क्यों समझ रहे हो कि तुमको कोई नहीं पहचानता सोचो ना कि आप एक मूल्यवान व्यक्ति है सोचो ना कि आप कितने डिवाइन हैं कितने स्पेशल हैं और आपके कही हुई बात का असर पड़ेगा right. तो आसानी से कुछ भी मत बोलो आप देखो जितने बड़े बड़े नेता हैं, अपोजिशन बड़े बड़े पोजिशन पे बैठे हैं लोग संभल के बात करते हैं ना आज के टाइम में बहुत सारी चीजें आप न्यूज पे देखते होंगे आप सारी चीजों पे कमेंट नहीं करते राइट क्योंकि आपको पता है कि आपके कहे जाने वाले बात का एक असर पड़ेगा पॉजिटिव पड़ेगा नेगेटिव पड़ेगा तो आपको समझ के बात करनी पड़ती है आप अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं जो जी मैं सोचती हूँ कि नहीं बाबा मुझे सही से बोलना है इतने लोग सुन रहे हैं बात पे कमेंट कर रहे हैं कुछ right, भी नहीं बोल सकती मैं राइट 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 तो हर ट्रोलर को भी यही सोचना चाहिए कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ मुझे कुछ ऐसा ही बोलना है जो लॉन्ग टर्म में मेरी छवि बनाने में मदद करे इनफेक्ट यू कैन डिस राइट अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप उसे हमेशा बताएं बिकॉज कोई भी एक बात से इवन हम भी जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हंड्रेड परसेंट लोग उससे अग्री करेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता दे पीपल वॉन्ट इवन अग्री टू साइंस हंड्रेड परसेंट पीपल राइट तो फिर तो बाकी बातें तो कहीं पे yeah, भी exactly. disagree, disagree. loopholes. This is what I आर द like about the दिस इज many आई डेंट लाइक अबाउट languages. बट they, टाइम्स they, is इज sense ऑफ hatred. मेंट in, डीमीनिंग in uh, होता है कि किसी को नीचे गिराना चाह रहे हो आप कि कोई सुसाइड कर ले इस हद तक चला जाए थिंग सो आई थिंक पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दिस बहुत अच्छा आपने कहा कि फील योर सेल्फ इम्पोर्टेंट कि ऐसा ना सोचें कि आपके लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिखने से किसी ना किसी को फर्क पड़ सकता है आपको तो, सबसे yes. ज्यादा फर्क पड़ेगा yes आप सोचिए कि आपने कुछ कहा उसका किसी पे उप कुछ असर पड़ा और उसने एक स्टेप ले लिया बहुत अच्छा तो क्या उसका आप पे असर नहीं पड़ता आप अच्छा नहीं फील करते कि ओ माय गॉड मैंने कितना अच्छा कर दिया ठीक उसी तरीके से नेगेटिव जो चीज़ अगर कोई कर देगा आपके कहने से तो क्या उसका कार्मिक वैल्यू आपके ऊपर नहीं आ जाएगा आप नहीं भी चाहते हो तब भी आपके दिमाग में वो कार्मिक वैल्यू रहेगा कार्मिक की आपने बात करी है सो जो भी हम करते हैं ठीक uh, उसी तरीके की चीजें हमारे रास्ते में आने लगती है right. जैसा जैसा हम एक्शन लेते जाते हैं uh, वैसे वैसे लोग हमारे पास अट्रैक्ट हो जाते हैं हम और उस डेक्शन में जाते हैं जो हम डिजर्व करते हैं जैसे काम किए हैं हमको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे और उसी डायरेक्शन में जाएंगे आप क्या रिचुअल्स या क्या प्रैक्टिसेस यूज करती हैं अपने आप को काम रखने के लिए स्पेशली जब आप वर्किंग होते हैं तो घर और पर्सनल प्रोफेशनल दोनों के बीच में आप कैसे बैलेंस मेंटेन करती हैं और कभी अगर बर्नआउट होता है या स्ट्रेस महसूस करती हैं तो वट यू डू थैंक uh, यू <laughs> तो बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि यार आप बहुत हंसते हो आप सीरियस बातें भी हंस हंस के करते हो ऐसे <laughs> कोई करता है तो बनो को आप एकदम तो सीरियस रखो <laughs> तो अरे यार हम खुशियां बेचने के बिजनेस में हैं खुद ही अपना प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तो कैसे बेचेंगे <laughs> क्या बात है एक चीज जो मुझे हमेशा काम आती है वो है ग्रेटिट्यूड मैं बहुत कृतज्ञ हूँ जो सारी चीज़ें मेरे पास है उनके लिए इनफैक्ट uh, मेरे मैंने अपने अडल्ट लाइफ में सो अडल्ट लाइफ में कहूँगी जब से मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई उसके बाद से आई वुड से अडल्ट लाइफ शुरू हुई है सो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद से ही मैंने ग्रैटिट्यूड को बहुत हैवीली यूज़ किया है और uh, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई साल रहा है जब बाई द एंड ऑफ द ईयर मैंने ये नहीं कहा हो

को चाहिए कि कोई आपकी मदद करे लेकिन या तो कोई आपकी मदद करने के लिए राजी नहीं है क्योंकि तो आप अकेले हो कोई आपके साथ बैठने को राजी नहीं है या तो आप लग, आ, ये सोचते हो यार मेरी जो लेवल की प्रॉब्लम है ना उसमें कोई मेरी मदद कर भी नहीं सकता तो फिर वो अपने आप में ही रह जाता है सॉलिट्यूड मस्त चीज़ है उसमें आप अपने के साथ ही पार्टी कर रहे हो yes. उसमें आप खुश हो क्यों ऐसे <laughs> क्या मिल गया नहीं। <laughs> कुछ नहीं कुछ मिलने की क्या जरूरत है खुश नहीं है ऐसे ही खुश है कुछ जब स... भी सोचा मैंने पुराना और मेरे को बहुत हंसी आई इसलिए मैं खुश हूँ कुछ मैंने याद किया और मुझे बहुत प्यार भर गया मेरे मन में इसलिए मैं खुश हूँ सो सॉलीट्यूड इज वेरी डिफरेंट सो वॉट्स यूर व्यू ऑन विपासना Like oh, If it's, solitude. it's highly recommended. आई आई हैवन बिन फॉर विपासना येट माई सेल्फ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल कमिटमेंट्स बट आई हाईली रिकमेंडेड मैंने बहुत सारे लोगों को उससे बहुत बेनिफिट करते हुए देखा है टूटते हुए रिलेशनशिप्स को जुड़ जाते हुए देखा है सो वे पासना लोगों को डेफिनेटली करनी चाहिए सो वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन अवर साइकोलॉजी बिकॉज जो पार्टी ड्रग्स होती हैं चलिए उनको तो हम बिल्कुल असाइड रख देते हैं कि दे जस्ट हैव समजर सेंटर एक्टिवेटेड कुछ समय वो रहती हैं उनके साइड इफेक्ट इतने सारे हैं सब चीज़ें हैं तो बट जो कई साइकेलिक्स होते हैं राइट लोग जैसे मशरूम्स की बात करते हैं आ, आया होस का की बात करते हैं सो मेनी पीपल रिपोर्ट दैट आफ्टर हैविंग मे बी मशरूम मैजिक मशरूम्स या आया होस का they have those spiritual experiences, uh, psychedelic experiences. so uh, l.s.d., to this is synthesized i will not include, though it is also a psychedelic, but so what is your perspectives on them? have you ever studied them? tried not. <laughs> <laughs> ah, tried. i will <laughs> not ask here. yeah, yeah. my will be it. क्योंकि मैंने अपने करियर में बहुत पापड़ बेले हैं यहाँ तक आने के लिए right. मैं जवाब देने से पहले कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन में लगभग साढ़े सात साल रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम किया है और बहुत सारे क्लिनिकल पेशेंट्स के साथ यू नो स्फ्रेनिक्स बाइपोलर डिसऑर्डर्स ड्रग एडिक्स के साथ काम किया है तो मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हूँ केमिकल sure. ड्रग्स होंगे तो उनमें ब्रेन को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ओके okay. okay. और ड्रग्स ऐसे हैं कि वो आपके ब्रेन के केमिकल स्ट्रक्चर में और न्यूरोकेमिकल्स जिस तरीके से काम करते हैं उसमें गड़बड़ी ले आते हैं ओके okay. okay. जिस वजह से फिर आप उस एक्सपीरियंस से बाहर आने के बाद भी एक इतने गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं बेचैनी में चले जाते हैं इरिटेशन, दिमाग काम नहीं कर रहा है कुछ ठीक से नहीं हो रहा है तो तब आपको लगता है वापस करते हैं और इस साइकिल को रिपीट करते करते इंसान एक बुरी तरीके से एक एडिक्ट हो जाता है वो देखता है कि उसका सुंदर सा शरीर सड़ रहा है लेकिन वो रोक नहीं पाता है क्योंकि सड़ सड़ के तो फ्यूचर टेंस में मरेगा अभी मैं अगर ड्रग नहीं करूँगा तो फिर मैं अभी अपने आप को झेल नहीं पाऊंगा अभी मैं पागल हुए जा रहा हूँ ओके सो ये केमिकल ड्रग्स में हो गया। जैसे केमिकल ड्रग्स की ड्रग्स की जो हम बात कर रहे हैं तो कई लोग जैसे मेरुआना स्पेसिफिकली है तो इस पर कई देशों ने इसे लीगल भी किया है और इसके कुछ पॉजिटिव इम्पेक्ट की बात की जाती है राइट जैसे आई थिंक थाईलैंड में ये लीगल है यूएस में आई थिंक कुछ जगहों पर एम्स्टरडाम में लीगल है So medicinal purpose तो is that truth? हाँ, में बहुत सारे chemicals है जिनको सिंथसाइज किया जा सकता है दवाइयां बनाने में okay. लेकिन वैसे तो बहुत सारी जड़ी बूटिया पट्टिया ऐसे हैं जिनको कर किया जा सकता है दवाइया बनाने में वैसे तो लहसुन भी है जो जिससे दवाई बना बनती है आयुर्वेद की कितने सारे लोग ऐसे कच्चा लहसुन खा जाते हैं उन्हें बोलते नहीं अच्छी अच्छा नहीं है <laughs> right. okay. अगर वो दवाई के लिए सिंथेसाइज होती है तो अच्छी चीज़ है बहुत सारे लोग हमारे देश में भी जैसे कि भांग करते थे आ, इस तरीके के ड्रग्स करते हैं मैरोवाना के अलग अलग फॉर्म्स को लेते रहे हैं कहीं पर मैरोना के कुछ फॉर्म्स को जब लोग लेते थे तो वो एक रिलैक्स्ड स्टेट महसूस करते और फिर दे कैन गो इन द ज़ोन आराम कर लिया लेकिन हमें ये भी देखने की ज़रूरत है वो जो लोग पहले गांजा करते थे वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में काम करते थे उनके शरीर में बहुत पीढ़ा है इतना काम करने के बाद तो उनको अपने शरीर के दर्द को थोड़ा कम करने के लिए थोड़ा उस स्टेट में जाने के लिए उसकी ज़रूरत है इज़ एडिक्टिव हाँ डेफिनेटली इट इज एबडिक्टिवे बट वॉट इज वर्स इज दैट के मैरोना की वजह से बहुत सारे लोगों में मूड डिजॉर्डर ट्रिगर हो सकता है ओके बाइपोलर डिजॉर्डर डिप्रेशन तो ये बहुत सारे लोगों में ट्रिगर हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में साइकोसिस भी हो सकता है जिसमें सिर्फ किजोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे ओके okay. यस वो रिलैक्स करने में मदद करता है लेकिन ये भी यस कि वो एक गेट ड्रग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग जब मारोवाना ट्राई कर ही चुके हैं तो वही डीलर एलएसडी भी देता है वही डीलर एक्सटीसी भी देता है तो वो आपको आज भाई तो ये भी ट्राई करके देख करके देख ये भी मस्त है सो इट कैन बी अ गेट वे ड्रग ओके दूसरी चीज़ के फिर हम में से बहुत सारे लोग जो सक्सेस की जल्दी में है ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपको लगेगा कि क्रिएटिविटी बढ़ गई है लेकिन असल में आलस बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग करने के बाद करते हैं, हैं, हैं। जाते है, उठते है। तो ग्लास पड़ा रहेगा भाई गिलास पड़ी है पड़ी तो है पानी पीना था पीना तो अच्छी बात है उठाएगा कौन रुक आने दे बाइक को बोलते तो

सब कर रहे हैं फिर भी एक्टिव है मज़े कर रहे हैं अपन भी ट्राई कर रहे थे उसमें क्या है इतने सारे लोग हैं जो कर भी रहे हैं लेकिन एडिक्ट नहीं हुए हैं तो शायद एडिक्टिव नहीं होगा मैं भी तो सुपरमैन कम थोड़ी हूँ मैं भी करूँगा और मैं भी एडिक्टेड नहीं हूँ करके ये एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज है फिर उसके बाद आता है एक टाइम जब हम एक्टिवली यूज़ करने लगते हैं ओके आज करते हैं मतलब उसके लिए प्लान बनाना आज बैठते हैं ये वीकेंड को अरे एक एक पार्टी हो जाए अरे होली की पार्टी में तो होना ही चाहिए उस तरीके से फिर वो एक्टिवली सीकिंग हो जाता है फिर उसके बाद आता है एक स्टेज जहाँ आप धीरे धीरे आ, उसको यूज़ करने लगे हैं जहाँ पे आज अच्छा नहीं लग रहा है आज बहुत बदन में दर्द दर हो रहा है कितना स्ट्रेस है ओके तब Dependency आप डेली पाने के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं हफ्ते में हर वीकेंड में हर दो तीन दिन में एक बार रिलीफ पाने के लिए उसे यूज करने लगे हैं और फिर उसके बाद एक स्टेज आने लगता है अब रिलीफ, रिलीफ छोड़ो वो नहीं किया तो रिलीफ Problem नहीं मिलता वो न, वो करके ही रिलीफ मिलता है वो, वो नहीं करना अ स्टेट ऑफ डिस ईज क्रिएट कर देता है मतलब आपका ईज नहीं रहता अब आप चैन से नहीं बैठ सकते अगर आप अगर काम करना है आपको मीटिंग करनी है आपको आपको करके ही बैठना है और uh... इन केसेस में स्पेशली आया हो उसका कि इतने सारे लोग एक्सपीरियंसेस देते हैं कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मुझे हुआ या फिर मैजिक मशरूम्स में भी लोग कहते हैं तो वो किस हद तक सच है हो सकता है साइकोडेलिक्स पे और इनफैक्ट होता भी है बट हमको समझने की जरूरत है कि हम इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स नहीं दें ओके okay? कि पहले के समय में आयोज़ का कहाँ पे यूज होता था साउथ अमेरिका में शाम यूज़ करते थे उसे उसका एक सेटिंग होता था जहाँ पे बीमार व्यक्ति आता था उसको मंत्र उच्चारण करके उसकी बीमारी ठीक करने की कोशिश की जाती थी क्योंकि वो एक ट्रांस स्टेट में है उसको कुछ खास सजेशंस दिए जाते थे उस हिप्नोटिक स्टेट में उसको तो कुछ दवाई दी जा रही है उसको सजेशन दे रहा है तुम्हारा तकलीफ़ दूर हो जाएगा तो एक फैसिलिटेटर उस प्रोसेस में इन्वॉल्व था या इंडिया में भी आप अगर देखेंगे ऐसे बहुत सारे तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स हैं जो किसी तरीके का नशीला यू you नो know, कोई प्रैक्टिस करेंगे लेकिन वो एक प्रोसीजर का हिस्सा है वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं है वहाँ पे कोई फैसिलिटेटर है और देन अगेन आप नोटिस करेंगे ये सारे लोग जो इस काम को कर रहे हैं वो आके नाइन टू फाइव की जॉब नहीं करते वो नहीं ये नहीं करते कि हाँ हाँ भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करो सुबह नौ बजे की मीटिंग है right. तो, वहाँ पे एक प्रोसीजर है हर चीज़ की अपनी एक जगह है आप अगर नाइन टू तो फाइव की जॉब करना चाहते हैं फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो और अगर ये भी चाहते हैं आप लंबा जिएंगे, तो सात्विक चॉइसेस आपको मदद करेंगी शायद स्लोली स्लोली आपको रिजल्ट्स आएंगे लेकिन आप लंबा जियोगे आप ज़्यादा अच्छा करोगे ऐसे नहीं कि यू नो आप थर्टी अंडर थर्टी के अवार्ड ले लिए

क्रिएट बिजनेस आउट ऑफ यू समेम विल हेल्प यू अर लॉट सम ऑफ देम डोंट प्लान टू हेल्प यू इनफैक्ट जस्ट प्लान टू यूज़ यू लाइक अ टूल ओके सो यू हैव टू लर्न साइकोलॉजी आपको अच्छे से मनोविज्ञान सीखते रहना है पहली बात ये दूसरी बात सच में यू नो अपने लोगों के बीच में रह के अपने लोगों को साथ लेके लेके चलो ये आपको काम आएगा तीसरी बात आप ज़रूर समय लीजिए ध्यान में आफ्टर इयर्स जर्नलिंग में अपने आप के साथ बैठने में ये काम आएगा बहुत लवली लवली सो ब्यूटीफुल इनसाइट शेयर्ड बाय यू एंड नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर सो नाउ लेट्स मूव टू द रैपिड फायर आपकी लाइफ का सबसे जबरदस्त कम मोमेंट कौन सा था एक बार ऐसा हुआ था कि एक साइकाइट्रिस्ट uh, ने पेशेंट को कहा कि मेरे पास नहीं आना है तब तो मुझे लगा यार मेरे पास लगता है पीएचडी नहीं है इसलिए मुझे इतने हल्के में लिया जा रहा है और अगर पीएचडी नहीं करूंगी बड़ी डिग्री नहीं आएगी तो लोग ऐसे ही मुझे हल्के में लेते रहेंगे और उस वक्त मैंने ठान लिया मेरे करियर के नौ साल हो चुके थे करियर स्टार्ट किए एंड फिर आफ्टर नाइन ईयर्स आई गॉट बैक इन एजुकेशन क्या दर्द सच में समय के साथ चला जाता है अगर आप एक्सेप्टेंस डेवलप करते हैं कि दर्द हो सकता है वो इतनी भी डरावनी चीज़ नहीं है तो पता नहीं कब वो अचानक से चला जाता है एक खराब एक्सपीरियंस के बाद रिलेशनशिप में लोग दूसरे रिश्ते में आने से क्यों डरते हैं? लोग जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर एक बार हुआ है तो यही होगा दुनिया में आप एक ही रूल के हिसाब से गाड़ी नहीं चला सकते तो फिर एक ही रूल के हिसाब से आप अपनी जिंदगी कैसे चला सकते हैं जरूरी है को करने के लिए तीन तरीके। बहुत सारी कॉमेडी फिल्म देख लो गाने लगाओ और नाचो जैसे कि कोई नहीं देख रहा है और बहुत प्यारी प्यारी किताबें पढ़ो महान लोगों की एक चाइल्डहुड की मेमोरी जो आज भी आपके चेहरे पर स्माइल ले आती है एक चीज जो मेरे जिंदगी में मुझे बहुत डेस्परेटली चाहिए थी बचपन से वो मुझे एक भाई चाहिए था और सब लोग मुझे कहते थे मेरी मम्मी की एक्सपेक्टेशन के दौरान कि तुम्हारे मम्मी के फैमिली में सबको सिर्फ बेटियाँ हैं तो तुमको कैसे भाई मिलेगा तुमको नहीं मिलेगा भाई और मैं बस यही कहती थी मुझे भाई ही चाहिए तो मुझे भाई ही मिलेगा और कुछ नहीं और मैं सिर्फ पांच साल 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 की थी और ये कहते कहते जब मैं साल की हुई तो मुझे लगता है मुझे मेरी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल गई मुझे एक भाई मिल गया ब्यूटिफुल ये चूज करना है आपको फास्ट बुक्स बुक्स या पॉडकास्ट हैंड रिटन नोटिटल या डिजिटल रिमाइंडर्स डिजिटल रिमाइंडर योगा या मेडिटेशन मेडिटेशन हु इंस्पायर यू मोस्ट I don't know, my dreams, that's all. तीन चीजें जो हर इंसान को समझनी चाहिए ताकि उनकी लाइफ पीसफुल बने माफ करो खुद को और दूसरों को सिर्फ अपने लिए मत जियो अपने कम्युनिटी के लिए जियो एटलीस्ट अपने घर वाले अपनी कम्युनिटी के लिए जियो और ये याद रखो कि मर तो जाओगे ही किसी दिन तो कुछ अच्छा करके मरो ब्यूटिफुल